सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, अगेन विद द न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है संडे और हम लोगों को जाना है अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जो ड्राइवर है वो घर पे देने के लिए आ जाएगा गाड़ी है, और उसका वेट करते हैं ड्राइवर कब तक वो हमारी गाड़ी देने के लिए आ जाएगा। उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद हम चलेंगे अपने पुराने वाले घर में, और उसके बाद हम लोग आज ही इस गाड़ी की पूजा भी कराने के बाद वापसी से अपने नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, वेट करते हैं ड्राइवर का। जैसी गाड़ी आती है मैं सीधा आप लोगों को लेके चलता हूँ गाड़ी के पास। यहाँ पे मैं हो चुका हूँ रेडी निकलने, क्योंकि आज मुझे जाना है वापसी पुराने वाले घर में, वहाँ पे मम्मी और लड्डू गोपाल को लेने के लिए। आज हमारी मम्मी और हमारे लड्डू गोपाल वापसी इस वाले घर में आ जाएंगे, उसके बाद सब शिफ्ट हो जाएंगे। उनका मंदिर हमने बना रखा है इधर। तो कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रही थी, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी है। अब उस पर पहले सूखा कपड़ा बांधने के बाद फिर एक गीला कपड़ा भी बांधना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ी धूल वगैरह हट जाए, क्योंकि कल बारिश भी हो रही थी और थोड़ा आंधी तूफान भी चल रहा था इस वजह से। तो चलिए अब चलते नीचे, सामान वगैरह सब रेडी हो चुका है हमारा। यहाँ पे दो बैग मैंने रख लिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे घर में सामान पड़ा हुआ था लाजपत नगर के घर में, तो सारा सामान इसमें डाल के हम रख के ले आएंगे। इस वजह से पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी है। मॉर्निंग में मैंने कपड़ा ही मारा था इस पर, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत गंदगी है। तो अब हुई है गाड़ी क्लीन फाइनली। देखो पहले जैसे इनकी गंदी हो रही थी, ऐसी धूल धक्कड़ जैसे इनकी हो रही, ऐसी हो रही थी अभी, अब पूरी क्लीन हो चुकी है। वो देखो भाई, सामने कूड़े वाली गाड़ी आई है और सब लोग अपना कूड़ा फेंक रहे हैं। हमारी माता श्री भी यहीं कूड़ा फेंकने आई थी, भी चली गई शायद। सो गाइस, ये है काली मंदिर और यहाँ पर हम लोग कराने वाले अपनी गाड़ी की पूजा। अभी फिलहाल पंडित जी जो हैं थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि किसी का बर्थडे है वहाँ पे, तो उनकी पूजा करने के बाद हमारी गाड़ी की पूजा होगी। और ये रही अपनी गाड़ी, और ये वो मंदिर है जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ पे हम बड़े हुए हैं और अपना स्कूल वगैरह यहीं से जाते थे अंदर। हमारी सिस्टर्स हमें छोड़ने के लिए आती थी यहाँ पर, यहाँ से प्रसाद दिला के फिर हमें मंदिर की साइड ले जाती थी, फिर हम मंदिर से दर्शन करने तब जाके हम स्कूल की तरफ जाते थे। सो गाइस, पूजा हो चुकी है गाड़ी की पूरी तरीके से, अब हमने मिठाई उठाई खा लिया, अब चलते हैं हम घर की तरफ। गाड़ी थोड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद अपने बाकी के जो काम है, जैसे बाल वगैरह कटाता हूँ, थोड़े से स्टाइलिश रहता हूँ, उसके बाद फिर घर के घर चलते हैं। मम्मी कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी लगी, बहुत वाव लगी, बहुत वाव वाव लगी, बढ़िया। और बैठो तो सही, चलो अपनी गाड़ी में अपना घर ले जा रहा है मेरे को ये। चलो फिर गाइस, अब चलते हैं। 2011 में जब हमारी एक्टिव आई थी तब भी हमने यहीं पूजा कराई थी, आज फिर से यहीं आए हैं। तो गाइस ये देखो, ये रहे यहाँ पे बहुत सामान भर चुका गाड़ी के अंदर, ये मटका रखा हुआ है ठंडा पानी पीने के लिए, और यहाँ पे हमारे विराजमान लड्डू गोपाल जी, अभी ने गाड़ी के अंदर छोड़ गया था, मैं बहुत गर्मी हो गई थी गाड़ी के अंदर। अब मॉम का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। हेलो मम्मी, के हो गए बहुत सारे पसीने, मम्मी गाड़ी में थोड़ा सा घबराहट होती है। ये पानी गिर गया ना पहले से, वो देखो हम खड़ा रख के लाए थे, थोड़ा पानी निकल गया उसमें से, वो मुझे साफ करना पड़ेगा। और पीछे देखो हमारी तुलसा जी भी है यहीं पे। तो गाइस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलिए, आने वाले टाइम पर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं बॉक्स के ऊपर, आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। जल्दी मिलेंगे आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में।